यहाँ देखिए ये मकाम है उलुल अलबाब की दुआ का, वो एक मकाम है उलुल अलबाब की दुआ का, वहाँ भी दुनिया नहीं मांगी रब्बना। फिर क्या कुरान में रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन फिल आखिरत हसनतन है ना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन में दुनिया मांगे नहीं, दुनिया में हसनत मांगे दुनिया नहीं। ये देखो तर्जमा ही समझे नहीं, रब्बना आतिना अद्दुनिया वल आखिरा, बोले तो दुनिया भी मांगे आखिरत भी मांगे नहीं, आतिना फिद दुनिया हसनतन, मतलूब वहां मकसूद दुनिया नहीं, दुनिया में हसनत है। उस दुआ पर भी गौर करे नहीं है, पीर का हाथ पीर का दामन हाथ में नहीं तो ये शोधा, जो पीर का मुरीद होता है वो हर बात पर गौर करता है, हर बात पर गौर करता है, खुसूसन जे आमिर पीर आमिर कलीमी शाह का हाथ जिसके दामन जिसके हाथ में है वो हर हर कदम पर सोचता है। मैं ये तफसीर करता हूँ दुनिया में हसनत क्या है, इताअत मुस्तफ़ा, आखिरत में हसनत क्या है, क़ुर्ब मुस्तफ़ा, अज़ाब के आँख के अज़ाब से बचना क्या है, बुअद मुस्तफ़ा, हिजर मुस्तफ़ा, हश्र में मुस्तफ़ा की जुदाई, यह आँख का अज़ाब है। ऐसी तफसीर कर सकते क्या, तफसीर साबुनी में सफ़ोत तफासिर में लिखा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन की तफसीर मौला अली करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन की तफसीर मौला अली फरमाते हैं, अल मरअतु सालिहा, दुनिया में नेकी क्या है, भलाई क्या है, नेक औरत का मिल जाना, व फिल आखिरति हसनतन के माने अल हूर लीन, हूर का हासिल हो जाना, वकिना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से बचा, इसकी इसकी तफसीर क्या फरमाते हैं मौला अली, अलमरअतु सलीता, अलमरअतु सलीता, सीन लाम ये तोय है, सलीता, सलीता के माने बदजबान औरत, जबान दराज औरत, वकिना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब, ये सफ़वतु तफासिर में आप देख लेना मौला अली की तफसीर है। तो मौला अली बताते हैं दुनिया में नेक औरत मिल जाना हसनत है, मैं हुजूर की इताअत मिल जाना नहीं बोल सकता, मेरे मौला अली मुझे रहबरी कर रहे हैं, अरे हुजूर की गुलाम, हुजूर की बांदी, हुजूर की उम्मती औरत नेक औरत है, हुजूर की इताअत में रहने वाली औरत मिल जाना हसनत है, मेरे आखा का खुर्ब मिल जाना, मेरे आखा की इताअत मिल जाए, ये इसे हसनत बोलना गलत कैसा हो सकता है, नेक औरत का मिल जाना ये हसनत है दुनिया की मौला अली की नज़र में, ये तफसीर है मौला अली की तफसीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हाय हाय, वो इल्हामी तफसीर है, वो इल्हाई तफसीर है, उनकी ज़बान से खुद खुदा तफसीर कर रहा है, क्योंकि मौला अली है। अरे गौसे आज़म फरमाते मा तकल्लम तू शैअन इल्ला वक़द क़ाला लिया अब्दुल क़ादिर तकल्लम बिहक़ी अलैका, मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं जब तक खुदा ने कहे कि ए अब्दुल क़ादिर मेरे हक की कसम है बोलो तो मैं बोलता हूँ, गौस के दादा हैं मौला अली, मौला अली की तफसीर अल्लाहु अकबर, वो इल्हामी तफसीर है, इल्हाम है खुदा का। तो आतिना फिद दुनिया हसनतन, दुनिया में हसनत अता फरमा यानि नेक औरत, आखिरत में हसनत यानि अल हूरुल ईन, हूर ईन, क्योंकि जिसे भी हूर ईन मिलेगी उसे हुजूर मिलेंगे, हूर ईन जहन्नम में नहीं है, कहाँ है, जन्नत में, जन्नत में दाखिल हो गया तो हुजूर है ना, तो हूरेईन का मिल जाना ये आखिरत की हसनत, ये बोलना हजरत मौला अली की तफसीर है। मैं ये बोलूं कि दुनिया में हसनत क्या है, इताअत मुहम्मदी, आखिरत में हसनत क्या है, क़ुर्ब मुहम्मदी, और आखिर आग का अजाब क्या है, हिजर मुहम्मदी।